हे फ्रेंड्स, आप देख रहे सर्विस सेंस यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज मैं दो बुक रिव्यू के लिए लेके आया हूं। पहला है हमारा, कल मैंने लाइव सेशन में आपको दिखाया था, उत्कर्ष क्लासेस का सामान्य अध्ययन हमारे कुमार गौरव सर की तरफ से। और दूसरा जो है हमारे पास KGS खान सर का पॉलिटी हिंदी लैंग्वेज में भारतीय राजव्यवस्था। तो दोनों बुक का आज हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे। दोनों बुक का प्राइस, पैटर्न, सारा कुछ आपको समझा देंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। रिव्यू में आप लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्विस सेंस यूट्यूब चैनल, जहां बुक्स की रिव्यू आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी बुक आता है, उस बुक का फर्स्ट रिव्यू आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। और साथ ही बुक चेक करने के लिए 10 पेज का PDF भी हमारी तरफ से आपको फ्री में मिल जाता है। और वो बुक अगर आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो हमारे तरफ से आपको होम डिलीवरी की सर्विस भी मिल जाता है। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फास्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जुड़ने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ अपडेट आपको फास्ट मिलता है, बुक आते ही मैं वहाँ फोटो डाल देता हूँ, या वीडियो बनने में जरा सा समय लग जाता है। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, तो दो बुक है आपके लिए। पहला तो मैंने लाइव सेशन में आपको दिखाया ही था, उत्कर्ष क्लासेस का, और इसका मैंने PDF भी आपको टेलीग्राम पे दिया है, टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, और दूसरा बुक जो है हमारा भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे खान सर की तरफ से। ये नया वाला सीरीज है, नया वाला सारे सीरीज में KGS लिख के आ रहा है, मैंने बताया था। तो एक बाय एक करके हम लोग दोनों का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको फास्ट अपडेट चाहिए तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के लिए ही सारे बुक्स बनते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आता है, उससे रिलेटेड जो भी बुक आता है, सबसे पहला रिव्यू आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। साथ ही होम डिलीवरी भी मिल जाता है, और 10 पेज में आपको PDF फ्री देता हूँ, ताकि आप घर बैठे बुक को चेक कर पाओ। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो एक बाय एक चलिए हम लोग बुक को देखते हैं। तो कल हमारे पास ये आया था, उत्कर्ष क्लासेस। तो पहला रिव्यू चलिए इसी का करते हैं, उत्कर्ष का सामान्य अध्ययन, तो हमारे कुमार गौरव सर की तरफ से। और इस बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व का रंगीन वाला मानचित्र फ्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा मानचित्र है। मैंने जो आपको PDF दिया है, उसमें आपको देखने को जरूर से मिल जाएगा, मैंने उसमें भी दिया हुआ है। तो ये बुक का, ये डबल साइज है बुक का, दोनों पन्ना खोल के, तो उसके भी ये डबल है। चलिए बस एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो बड़ा साइज का ये कलर वाला मैप है, ये इस बुक में फ्री दिया गया है। चलिए ये चीज़, एक नया चीज़ जो कि अभी तक लूसेंट वगैरह के इतने सारे बुक्स आप देखें, किसी में फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ पे फ्री है, फ्री 15,000 प्रश्न के व्याख्या उत्कर्ष ऐप में। तो इनका जो ऐप है, यहाँ पे दिया गया है कैसे क्या करना है। उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो सर का ऐप डाउनलोड करके आप 1500 क्वेश्चन भी फ्री पा सकते हैं। उत्कर्ष का सामान्य अध्ययन NCERT अपडेटेड कॉन्टेंट, इसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर और विविध सारा कुछ हमें देखने को मिल जाएंगे। और इसमें MCQ क्वेश्चन है या नहीं है ये जानने के लिए रिव्यू में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। तो इसमें संपादक कुमार गौरव, GKGS विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हमारे उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव जी। तो कुमार गौरव जी, वाकई आपने बहुत अच्छा बुक बनाया है, बट इसमें पेपर क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था। बट इम्प्रूव करने के बाद ये भी एक पॉइंट आता है कि इसका प्राइस जो आपने मात्र 210 रुपये में दिया है, ये नहीं हो पाता। तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, एजुकेशन जब लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं, तो प्राइस बहुत मैटर करता है। तो 210 रुपये प्राइस रखने के लिए बिल्कुल से आपको पेपर क्वालिटी सर को घटाना पड़ा, लेकिन चलिए कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ है, संस्करण जुलाई 2024, 210 रुपये ISBN के साथ। कुमार गौरव सर, पेपर क्वालिटी में हल्का सा कालापन है, थोड़ा डाउन क्वालिटी वाला पेपर है, बट प्राइस रेंज इसमें सही दे रहे हैं। अगर इसमें फाइन पेपर लगा होता तो इसका प्राइस लगभग 300 to 400 होता, जैसे कि हमारे क्राउन वाले बुक्स में आप देख सकते हैं। पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हिंदी मीडियम में 350 है, इंग्लिश में 450 है,
लूसेंड में भी 280 रुपए की है, पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी हुई है, तो प्राइस काफी हाई हो जाता, तो यहाँ पे सर ने लो प्राइस पे लो क्वालिटी पे बना के दिया है। क्वालिटी उतना भी लो नहीं बोल सकते, पढ़ने के लिए बहुत ही सही है। जो पेपर क्वालिटी आपको यूथ के पब्लिकेशन के बुक्स में देखने को मिलता है वही वाला पेपर क्वालिटी इसमें है। तो यहाँ पे विषय सूची है, मैं इसे जरूर से पूरा कंटेंट में को पीडीएफ में मर्ज करके आपको दे दूंगा। स्टार्ट किया गया है, बहुत कोई इतिहास से स्टार्ट करता है, बट इन्होंने विश्व का भूगोल से स्टार्ट किया। विश्व के भूगोल के अंदर सारा टॉपिक है, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अंदर सारे टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और भारत का इतिहास यहाँ से है, जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और विविध। तो ये इस बुक का कंटेंट था। अब आगे किस तरह से दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, थ्योरिकल समझाया गया, जहाँ जहाँ चित्रों का जरूरत था वहाँ चित्रों से भी दर्शा के सही तरीके से बनाया गया है। और जो मैंने सवाल शुरू में किया था कि इसमें MCQ क्वेश्चन है या नहीं, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी भूगोल के ही सारे टॉपिक चल रहे हैं, ये दूसरा टॉपिक आ गया, और चित्र का जरूरत था वहाँ दिया गया है, क्योंकि भूगोल में ये चित्र बहुत मायने रखते हैं, मैप वगैरह की जरूरत पड़ता है। यहाँ इस बुक में एक मैप भी फ्री इसी कारण से दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको MCQ क्वेश्चन है या नहीं। तो यहाँ तक हमारा विश्व का भूगोल जो चल रहा है, यहाँ पे लास्ट होने वाला है हमारा विश्व का भूगोल। अब यहाँ से हमें जितने चैप्टर पढ़ाए गए सभी से क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस सेट दिया गया, वस्तुनिष्ठ अध्ययनवार प्रश्न जो जो अभी हम लोग पढ़े वो सबसे क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कराया गया है। अभी का ट्रेंड को फॉलो करते हुए और 171 पहला हमारा जो विश्व का भूगोल था उससे सारे चैप्टरों को जोड़ के इतने पेजेस का बनाया गया है, इतने क्वेश्चनों का बनाया गया, 171 का MCQ। और उपरोक्त प्रश्नों के व्याख्या को देखने के लिए QR को स्कैन करें, तो इस QR को स्कैन करेंगे तो यहाँ पे व्याख्या भी रहेगा। तो व्याख्या इतना ज़्यादा मोटा बुक बन चुका है, व्याख्या डालता तो ये डबल साइज हो जाता, तो प्राइस कंट्रोल में रखते हुए इस QR को दिया गया। इस QR को स्कैन करिएगा, आपको व्याख्या मिल जाएगा। मैंने ट्राई हालांकि नहीं किया है। ये भारत का भूगोल अब स्टार्ट हो गया, भारत के भूगोल में सारे टॉपिक दिखाए गए हैं, भारत का मैप दिखाया गया है। और इसमें भी जब भारत का भूगोल के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, लास्ट में MCQ क्वेश्चन है, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया अब हमारा जो अध्ययनवार प्रश्न, तो यहाँ पे भी MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि 10-15 देखे छोड़ दिए गए हैं, 150-150 करके आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्याख्या के लिए QR को स्कैन करना है, तो पूरा बुक इसी पैटर्न पे ही है, तो काफ़ी अच्छा बुक है। अगर बुक में कुछ नेगेटिव पॉइंट है या फिर कुछ भी खराबी का बात करें तो इसके पेपर क्वालिटी थोड़ा सा मुझे डाउन लगा, कि फर्स्ट टाइम सर ने एक बुक लॉन्च किया है ये वाला फर्स्ट एडिशन है, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए था, बट प्राइस रेंज में सही है। तो चलिए अब हम लोग अगला बुक देखते हैं। दोस्तों रोजाना आपके कमेंट्स में पढ़ता था कि खान सर का राजव्यवस्था कब आएगा, तो मैंने बताता था कि नया वाला एडिशन आएगा, KGS वाला, ये नया एडिशन सारा आ रहा है 2024 का एडिशन, तो ये बन के आएगा तभी आपको मिलेगा। तो ये फाइनली बन के आ गया। कल भी एक कोई थे जो पूछे थे, मैंने बताया था मुझे नहीं पता कब तक छपेंगे, और मेरे पास बुक सर ने छाप के भेज भी दिया। तो भारतीय राजव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खान सर, बिहार केसरी एक लोगो लगाने गया, खान सर ग्लोबल स्टडी सेंटर की तरफ से। तो कंटेंट देख लेते हैं, विषय सूची यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो डिटेल फर्स्ट छपा है ये, तो यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। भारतीय संविधान इंग्लिश में भी समझाया गया है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के अनुसूची और भी बहुत सारे भाग भाग करके बहुत कुछ दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है, किस अनुच्छेद में क्या टॉपिक आता है वो दिया गया। भाग एक में अनुच्छेद 1-4 में है, संधि उस राज्य का क्षेत्र, उसका क्षेत्र, इस टाइप से सारा कुछ दिया गया है। एक ऐसा नॉलेज जो हर व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए अपने राष्ट्र के बारे में, वो सारी चीज़ें दिए गए हैं।
और उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है भारतीय संविधान के अनुसूची, तो उसको किया गया है। तो ये फुल्ली आ जाया है, तो दो दिन पहले मान लीजिए छपा है, तो फुल्ली अपडेटेड वर्सन है ये। इसमें सारा कुछ जो चेंज होना था वो अपडेट हो गया है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ कुछ चीज़ें चेंज होते हैं। अच्छा, इस बुक के लिए MCQ क्वेश्चन है या नहीं है, तो इस बुक में MCQ क्वेश्चन है या नहीं, चलिए मैं लास्ट में दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ खास इसमें रिव्यू के लिए नहीं है, जो पैटर्न है आपके सामने है, सारा कुछ थ्योरिकल है। इम्पोर्टेंट चार्ट वगैरह जहाँ जहाँ जरूरत था, जहाँ चित्र का जरूरत था, सारा कुछ दिया गया है। पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, चिकना पेपर है और वाइट पेपर है, तो इस तरह के पेपर सभी को देखने में बड़ी अच्छे लगते हैं। तो लास्ट में भी देख लेते हैं, लास्ट में भी कहीं MCQ क्वेश्चन इस बुक में नहीं है। खान सर के किसी भी बुक में हालांकि आपको MCQ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे नोट्स वाले, क्योंकि ये उनके क्लास नोट्स हैं, तो MCQ क्वेश्चन नहीं है। काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये बुक या फिर आपको चाहिए उत्कर्ष क्लासेस का बुक, तो ये दोनों बुक में से कोई भी बुक चाहिए आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, कोरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बुक आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। आपके लिए 10-10 पेज का मैंने PDF बनाया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके बड़े आसान से आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बुक को समझ सकते हैं। बुक अगर लगे आपको आपके यूज़ के लिए है, आपके लिए लाभदायक है, तो मुझे ऑर्डर करिए या फिर अपने नज़दीकी मार्केट में सर्च करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।